इंडिया गेट इंडिया गेट हाम्रो इंडिया गेट है यो चाहिँ हामीले गएर फोटो खिचेको हैन होइन नि यस्तो राम्रो भएन त अर्को गेट हेर्छु के ठीक सामने वेस्ट गेट है, लेफ्ट में साउथ है, राइट में नॉर्थ जो राइट है साइड में नॉर्थ की साइड में हल्का मेन एंट्रेंस गेट है जिसको रॉयल गेट भी बोलते हैं। और बहुत सारे चीजें समय में देख रहे हैं, ये सभी आर्टिस्ट्स की वर्कशॉप है। ऑर्नामेंटेशन का काम किया था, जो मार्बल का इनले वर्क किया था वो सभी लोग इन्हीं कमरों के अंदर बैठ कर काम किया था। एक साल आए थे गवर्नमेंट में भाई नहीं पानी थोड़ा सा आगे सब के में सेम गेट है दोनों तरफ से एक बार हम देख सकते हैं जो वर्क का कोई कलर या कोई पेंटिंग नहीं है सारा हैंड से बनी हुई है चाइनीज लोग काट के स्टोन चलो पास से काट के अबे ये रही यार टिकट अब याद आई इसका जिक्र तो अभी उन्होंने ग्यारह ही गुम्बद गेट पे एक्चुअली जब रॉयल फैमिली मेंबर्स ताजमहल देखने आते थे ना तो उनको वेलकम देने के लिए लोग फूल पत्ती देखे रखते थे, ऐसा पार्ट ऑफ वेलकम। लेकिन कोइंसिडेंट ये है कि टोटल यहाँ पर 22 डोम है, 11 सामने 11 पीछे, इसीलिए लोग कहते हैं कि ये डोम ताजमहल की टोटल कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि ये गेट ही बनकर बाद में तैयार हुआ तो डोम कैसे लगा देंगे हर साल इसके, तो जैसे पार्ट ऑफ पॉलिसी ठीक है ना। अभी अंदर चलते हैं फिर आपको डिटेल में सुनाते हैं। कसो लागिरहेछ रमाइलो कस्तो लाग्यो शान्ति बेस्ट कस्तो फिल भइरहेछ त मोबाइल देखिए ये इसको देखते हुए पीछे आइए आपके नज़दीक आएगा। नजिक नजिक आ फील हुन्छ अरे कि इज रियली अमेजिंग। यो हो ताजमहल यहीं पर मिल कर दूंगा जरा खाली हो जाएगी इधर आ जाइए खाली एक फोन दे दीजिए उसी से। अब हमारा गैंग से फोटो खींचने पाले पाला फर्स्ट में भगवती आंटी ताजमहल में धन आंटी इन पिंक कलर कैप वो इधर से सिंगल ले लिया ललू का बीच में आएगा हाथ रखा फोटो खींच
बड़े भैया हुए सेल्फी लास्ट में, तब सेल्फी लेते हैं। एक मिनट साइड स्माइल गुड ना ना तब जाने पहले प्लीज नेक्स्ट तारा दी हो गया भैया दिस वे दैट्स वेरी नाइस जगह मास्क भी जरूरी है सडनली बनेको प्लान मेरो दिल्ली आउने मैले सोचेको थिएन टू डेजमा मैले प्लान फिक्स गरेको थिएँ खासमा दिल्ली म सपिङको लागि आएको त्यही टाइममा थोरै समय एक दिनको लागि आज मिलाएर ताजमहल हेर्न आएको छ हामीले भिडियो हेर्नुभन्दा पनि रियलमा देख्दा एकदमै कस्तो फिल भन्ने सर यो नेम प्लिज आशिषे हाम्रो गाइडलाइन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ रानी मुमताजको डेथ हुँदा फेरि त्यहाँ 6 महिनासम्म त्यहाँ राखेको थियो र डेट भन्ने चाहिँ रानी मुमताज ठाउँमै भेट्दैन नभए यत्रो ठाउँमा फोटो खिच्नलाई कुद्याए कुदै फोटो सेसन सुरु काठ पो रहेछ है सभी लेटर्स यहाँ पर ये नीचे वाला ऊपर वाला हाँ। आपको एक ही साइज में दिखाई देगा जी। लेकिन कोई भी एक साइज में नहीं है नहीं ऊपर वाला नीचे वाले से 2.5 गुना बड़ा है और हर लेटर एक स्पेशल स्टोन का बनाया हुआ है इसका नाम है स्टार रूबी स्टार रूबी हाँ ना रूबी रूबी का मतलब स्टोन है ना मेहंदी वाला स्टोन डायमंड जैसे लाल कलर ये ब्लैक कलर का और लाइट दो कलर में आता है रेड और ब्लैक वो ऐसे रूबी करते हैं जी वो रेड रूबी होता है जिसे हम कोरल बोलते हैं ठीक है ना तो ये स्टोन आगरे का लोकल स्टोन है इसकी खासियत ये है कि जब ये साइन करता है ना तो इसमें से 6 स्टार बनते हैं जो को आपको हील करते हैं सब चारों दिशाओं से यहाँ का स्टोन है स्टेशन की नया स्टोन है आप चाहें तो मैं आपको उसके बाद क्योंकि हमको शाहजहाँ अपने बेगम से बहुत प्यार करता था इसी में प्रॉपर्टी बने देख रहे ना ये सभी सेमी प्रेशियस वैल्यूबल जूल्स है मैं आपको अभी नज़दीक में जाकर दिखाता हूँ पीला वाला जेस्पर है जो कि राजस्थान जैसलमेर से आया ब्लैक ऑनिक्स है इसमें एक स्टोन से बोलते हैं खट्टू और एक ये स्टोन ये लगा ऐसे यहाँ भी लगा हुआ है ये है बहुत ही खूबसूरत स्टोन से बोलते हैं रूल स्टोन यमन से आया था मुसलमान Thank you.
ताजमहल को ठेक्क बैक साइड में यहाँ से अब नदी यमुना नदी रही है। ये नदी है सल नहीं नौत्री रा किताब में पढ़ी थे ताजमहल भनेर आज रेल में देखिए 2021 सेकेंड अक्टोबर आज महात्मा गांधी जयंती भी रही ते भर आज एकदम यहाँ से भीड़ लगे मानेह को धेरे जसों यहाँ लोकल नहीं जो सुन न चले सर हजुर क्रिस क्रॉस यहाँ से भी बहुत खुश हो सकता है सब एक डोम दिखाई देता है यहाँ आप भी अच्छी हो ताजमहल भी अच्छे आप भी अच्छे शुक्रिया जी आप तो अभी चाइनीज लग रही हो चाइनीज जापानीज जापानीज से थोड़ा नेपाली लग रही हो अच्छा नेपाल से हो नेपाल कहाँ से हो काठमांडू काठमांडू से कैसा लगा ताजमहल बहुत अच्छा कोई ऐसा ताजमहल बनाते मैं अंकल को जरूर बता दूंगी अंकल का नाम क्या था उत्तम अधिकारी को मैं जरूर बता दूंगी कि ऐसे ही वो सुंदर सा प्यारा सा ताजमहल आपके लिए खड़ा कर दूंगी उससे पहले उसके बाद नहीं क्योंकि इतना प्यारा सा बनाया और मुमताज तो देख नहीं पाई मेरे नाम एक मंदिर ही बना दिया ये भी काफी अच्छा आप देख लीजिए जैसे आप चाहें आज ताजमहल बहुत ज़्यादा क्राउड होगा इतना क्राउड है कि आप
अरे बाप रे, बहुत टाड़ा रहे बाबा रे। प्यारी सी, आपका नाम क्या है? खुशी श्रेयस। खुशी श्रेयस, और आपका? अंशरीबाद। आप कहाँ से हो? मैनपुरी से। दोनों बहने हो? घूमने के लिए आई हो? यस। थैंक यू फॉर द गुड पिक्चर। फाइनली ताजमहल पनि घुम्यो, थोरै थोरै केही केही बुझ्यो ताजमहलको बारेमा। सानो बेलामा बुक्सहरूमा त पढिएको थियो शाहजहाँ मुमताज भनेर, आज रियलमा पनि देख्यो, देखेर साँच्चीकै एकदमै रमाइलो र एकदमै शान्त। मार्बलको बनेर भएको होला भित्र, अनि अलिकति यस्तो गर्मी छ बाहिर चाहिँ, भित्र चाहिँ कुल छ क्या, शीतल आनन्द फिल हुँदो रहेछ। जाने बेला भइसक्यो, अब यसपछि हामी वृन्दावन जानेछौँ, मथुरा वृन्दावन। हाम्रो गाइड आशिषजीले एकदमै राम्रो राम्रो फोटो लिइदिँदै हुनुहुन्छ, यति राम्रो फोटोहरू लिइदिनु भएको छ, सायद वा हुनु नथ्यो भने यति राम्रो पिक्चर्सहरू हामी लिने थिएन थिएन होला, मलाई त आएन भाइ। हाम्रो त्यही भन्छ अहिले यो चाहिँ एक्जिट डोर भनौँ, यही हो कि होटल पाँच बज्ने वाले हैं, ओ मैडम जी कैसा लगा? फोटो वोटो खींच लिए? फोटो खींच लिए? थोड़ा आगे चलो ना। हाँ आ रही हूँ, आप भी आओ। कैसा लगा? अच्छी लग रही। फिर आंटी पाउनु भयो, आंटी कस्तो छ, कस्तो लाग्यो? मन थियो यो महल कसको नाममा रे आन्टी? मुमताजको नाममा, ए मुमताजको नाममा, मुमताजको नाममा, सम्झनामा मायाको प्रतीक हो यो, है सम्झना है, हेरे जस्तै आँखामै पुरै गाडेको होला है आन्टी, गयो गयो आन्टी। अनि अरू के भन्नु छ आन्टी? अब यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ? आज हामी लाल किल्ला जान सक्छौँ, अनि हामी कृष्णजी जन्मेको ठाउँ वृन्दावन, मथुरा, मथुरा धाम जान है। ओके ल हिँड्नु। कसलाई रुमी? यति अमेजिङ भनेको अनि तर आएपछि अलिकति 10 दिनको टाइमको लागि आएको, अनि एक दिन चाहिँ यसो अलिकति फ्री टाइमिङ लाग्यो, अब यसपछि फेरि वृन्दावन पनि जाँदैछु। कति दिनको टाइम लागेको रे तिमी? सबैजना जाने अन्त है, दी